इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनिफिशिएंट एवरी मोस्ट मर्सीफुल। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसल जवाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल न हो। यहाँ जो सब्ज़ उगे वो हमेशा सब्ज रहे, यहाँ जो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल न हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड अस्सलाम वालेकुम। Respected teachers and dear school fellows, today we all have gathered here to mark this other landmark of success by celebrating the 75th independence of our beloved country Pakistan. So I, Naima Tahseen, and I, Umama Ravi, from the core of our hearts welcome you all to today's function. अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए हम बुलाते हैं उम्मे आयशा फ्रॉम क्लास 6। इससे मेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है।
आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में. फॉर मोमेंट्स वी वुड लाइक टू कॉल हमना आलम, शिजा वानिया, हमना हफीज, हलीमा फ्रॉम क्लास 5. पाकिस्तान बना तो दिन क्या था? बना तो इस्लामी तारीख और दिन.
शाबाश, 27 रमजान मुबारक। शाबाश, जुम्मे का दिन। सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। कायदे आजम, कायदे आजम कराची में पैदा हुआ। बहुत इजी है। इसे लिखा पाकिस्तान ने कौमी तरह ना? हफीज जालंधरी। शाबाश जालंधरी। कौमी तराना हफीज जालंधरी। कहाँ का कौमी तराना? पाकिस्तान का। शाबाश। सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था? मेरा लियाकत अली खान। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन थे? भाई प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट कौन है? हमारे प्रेसिडेंट सदर थे। उनका नाम क्या था? आंसर वो बताएं। इस्कंदर मिर्जा। क्लास सिक्स की नायला जज्बिया सिद्दीका को बुलाती हूँ कि वो यहाँ आए और तराना पेश करें। क्लास सिक्स की नायला जज्बिया और सिद्दीका। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। गांधी अपनी खुशियाँ, मोदी अपनी खुशियाँ। हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल सारे एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के धारे। जुदा जुदा है रहने पर हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक। मौके पर अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को कभी नहीं भूल सकते। भारत तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है, कश्मीर तेरे बाप की जागीर नहीं है। अब हम अपने ड्रामा परफॉर्मर्स को बुलाएंगे, जो है हफ्सा, जज्बिया, नायला और बाकी साथी। तो हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब जान से कहूंगी कि गोवा की साइड पे एक बड़ा सा घर ले ले। मुझे ये समझ नहीं आती ऐसे उर्दू चलेंगे हम। मजा आएगा जब हम डेली गेट पे गाय के कबाब खाएंगे। सुन लो मैं कर दो, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला ले लिया, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान हिंद बनेगा। इस धरती का तकदीर करे, तकदीर करे, आओ वतन तामीर करे। अब मेरी रखने के लिए हफ्सा और नायला को बुलाऊंगी फ्रॉम क्लास सिक्स। प्लीज वेलकम हफ्सा और हफ्सा मी रखने के लिए आ जाए फ्रॉम क्लास सिक्स। Gawar na watan
जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी,
कहिए कि जिसको आंसर आता है वो हैंड रेज करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है, और कि पाकिस्तान का फाउंडर कौन था, है बल्कि हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ये क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायद आजम ने कराची में किस स्कूल से तालीम हासिल की। कायद आजम ने कराची में किस स्कूल से तालीम हासिल की। कायद आजम ने सिर मदर से तालीम हासिल की। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर। करारदादे पाकिस्तान कौन से साल में मंजूर हुई, जिसको आंसर पता है वो हैंड रेज कर ले। करारदादे पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई। शाबाश जी, आमना बताइए। जी बताइए। करारदादे पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई। शाबाश। पाकिस्तान की कौन सी साल गए, मतलब कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने में। शाबाश, एक्सेलेंट, बहुत सारी तालियां बजाइए इनके लिए, बहुत सारी तालियां, शाबाश। फ्रॉम क्लास टू मेरी रंग में तेरे इनके लिए बहुत सारी तालियां।
पाकिस्तान के फ्लैग में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बिलोंग करता है मुस्लिम से और वाइट
हम नॉन मुस्लिम से। शाबाश। ग्रीन कलर मुस्लिम को प्रेजेंट करता है और व्हाइट कलर नॉन मुस्लिम को प्रेजेंट करता है। शाबाश जी। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा है पाकिस्तान का नाम? नहीं, पैदा हुआ था नाम मोहम्मद अली जिन्ना ही नहीं रखा है। नहीं, पाकिस्तान का नाम रहमत अली लिख के रहमत अली ने रखा है। चौधरी रहमत अली। शाबाश। बर्ड पाकिस्तान का नेशनल बर्ड। क्या आंसर है? आंसर बताइए। चकोर। शाबाश। आप भी जाए अलीमा, क्या है? जी। चकोर। आप भी बताइए। शाबाश। पाकिस्तान के नेशनल बर्ड का नाम है चकोर। शाबाश। अलामा इकबाल की वफात कहाँ हुई, मतलब अलामा इकबाल का कहाँ इंतकाल हुआ? क्या लाहौर? लाहौर क्या? इंतकाल हुआ। किसका इंतकाल हुआ था? अलामा इकबाल का। ऐसे। शाबाश। जाइए। लाहौर में क्या हुआ था? इंतकाल। किसका? ऐसे। कुछ है
साथ पढ़ना है और सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएगा और सब ने मिलकर पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू।